Hi Scorpio and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Scorpio? Scorpio, thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक है, नंबर मैंशन है. व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक कीजिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. बाय द वे स्कॉर्पियो, मैं जनवरी की जनरल प्रिडिक्शन वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ रिलेटेड टू करियर, हेल्थ, फाइनेंस, योर पर्सनल एनर्जी. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. अगर आप इंटरेस्टेड हो अपनी जनरल रीडिंग देखने के लिए, आप वो देख सकते हो. ये है लव लाइफ रीडिंग बोनस. लेट्स चेक. अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो. एंड लेट्स सी, एंजल्स, हायर बींग्स, एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर स्कॉर्पियो इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024. ठीक है, लेट्स सी क्या एनर्जीज आ रही हैं. ओके, सॉरी सॉरी, शफल इट वन मोर टाइम. लेट्स सी. करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर. वाओ, स्पिरिट रेस्पेक्टर. इंटेंशन ऑफ योर पार्टनर, फेयर एम आयरन. वाओ. फ्यूचर एक्शन ऑफ योर पार्टनर, प्लम्बम लीड. नाइस नाइस. योर एनर्जी, साल सपेंटी, द वाइस सॉल्ट. एंड फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप इज रजीना, रेजन. नाइस. आई थिंक आप लोग को क्लेम कर देनी चाहिए रीडिंग. ये मुझे सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है. जोडियक साइन वर्गो, केप्रिकॉन, टॉरस, एरीज, लियो एंड जेमिनी की भी एनर्जी है. एक्चुअली पहली बात तो कुछ जनरल एनर्जीज बता देती हूँ. ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है. आप कहीं ना कहीं बस लाइक करते हो स्कॉर्पियो, बट आपका भी धीरे धीरे, डे बाय डे, आपके इमोशंस इस पर्सन के लिए बढ़ते जा रहे हैं. एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, करंट एनर्जी. लुक एट द कार्ड, आप बस कार्ड देखो. सच ब्यूटीफुल आर्ट वर्क, सच नाइस. सी, करेंट एनर्जी में बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, दे रियली लव यू अ लॉट. सेकेंडली मुझे ये दिख रहा है विद द बेनेवोलेंट गाइड एनर्जी. कहीं ना कहीं दे थिंक, आपके पार्टनर सोचते हैं कि आप इनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह आए हो. बहुत मानते हैं आपको, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी. और जब भी आपसे बात करते हैं, जब भी आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत, बताओ, ये पर्सन ना बहुत ग्रैटिट्यूड रखते हैं अपने दिल में. मतलब बहुत ज़्यादा शुक्रिया करते हैं. मेरे हिसाब से इनका नेचर ना बहुत वैसा है कि बहुत थैंक यू बोलते होंगे लोगों को, या आपको, या बहुत सॉरी बोलते होंगे. बहुत ना लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने आसपास के लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं. बड़े सॉफ्ट स्पोकन किस्म के पर्सन हैं ये. मुझे एकदम से एनर्जी आ रही है. एंड दे रियली लव यू अलॉट. बहुत प्यार करते हैं आपके साथ. बहुत टाइम, जब भी टाइम स्पेंड करते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है. कहीं ना कहीं देर इज़ दिस बी एलिमेंट, तो आई एम सीइंग दैट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं आपसे. गुड एनर्जीज, एक्चुअली गुड इंटेंशन. फेरम विथ आयरन, इनका इंटेंशन है आपके साथ फिजिकली क्लोज होने का. बहुत ज़्यादा भी इंटेंशन है कि आपके साथ एक वैसा डीप इंटरमेट कनेक्शन बनाए. आपके साथ फिजिकली आपके साथ ही बहुत क्लोज होना चाहते हैं अभी. और इनका इंटेंशन है टू कम इन टू अ सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप विद यू. ये पर्सन आपके साथ सीरियस होना चाहते हैं, या आपके, आपको एक ऐसा पर्सन बनाना चाहते हैं कि भाई, कि तुम मेरे परमानेंट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनो, या फिर तुम मेरे लिए एक परमानेंट पार्टनर बनो. कहीं ना कहीं इनका इंटेंशन है ना, इनका जो प्यार है वो बहुत इंटेंस वाला प्यार है. शायद ये अभी बहुत लवी डवी वाले मूड में है, बट इन फ्यूचर आई एम सीइंग दैट इनका जो प्यार है ना बहुत इंटेंस होगा. प्लीज़ डोंट कंसिडर इट इन अ रॉन्ग वे. आई एम नॉट सीइंग ये एंग्री होंगे या अग्रेशन दिखाएंगे. नो, मतलब बहुत इंटेंस होगा. मतलब जब भी आप इनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, यू विल फील दैट लव एनर्जी फ्रॉम दिस पर्सन. इंटेंशन बहुत प्यारा है, कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ. फ्यूचर एक्शन, लीड विथ प्लम्बम की एनर्जी. देखिए यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी. कहीं ना कहीं आई एम सीइंग दैट ये पर्सन ना आपके साथ हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे. ये जो भी करेंगे ऑनेस्टी के साथ करेंगे, जो होगा मुंह पे होंगे. पहली बात तो इस, ये पर्सन इतने सच्चे किस्म के पर्सन है, इतनी डिवाइन. आई एम सीइंग दिस इज सच अ डिवाइन कनेक्शन कि ये पर्सन ना कभी झूठ नहीं बोलेगा. ये पर्सन कभी आपको अंधेरे में नहीं रखेंगे.
फ्यूचर एक्शन में ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी है, तो मेरे हिसाब से ना आप दोनों का जो रिलेशनशिप, जो कनेक्शन है ना, बड़ा सॉर्टेड कनेक्शन दिख रहा है। फ्यूचर में आई एम सीइंग कि शायद आप लोग बहुत ट्रैवल कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आप लोग मेरे हिसाब से कोई बिजनेस भी आप स्टार्ट करते हो दिख रहे हो फ्यूचर में। तो फ्यूचर में आई एम सीइंग दैट ये पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट रहेगा, सच्चा रहेगा, लॉयल रहेगा। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ लॉयल्टी, आई एम सीइंग अ बिग कार्ड ऑफ लॉयल्टी हेयर। एंड ओवरऑल मुझे ये ऑफिस रोमांस भी होते हुए दिख रहा है, शायद आप इस पर्सन से ऑफिस में मिले हो या आपके बॉस भी हो सकते हैं। मुझे ये दिख रहा है वन बिग थिंग एलिमेंट आई एम सीइंग राइट नाउ इज दैट कि अगर आप दोनों का साथ हो गया, अगर आप लोग रिलेशनशिप में आ गए, आप दोनों का करियर में बहुत ग्रोथ होगी। ये आपके करियर में आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको कोई स्किल सीखनी होगी या कुछ करना होगा, ये आपके करियर में बहुत हेल्प हो करेंगे। शायद आपके बॉस ऑफिस बॉस भी हो सकते हैं, तो ये बॉस आपके आपको प्रमोशन करने में भी हेल्प कर सकते हैं। इट कैन बी दैट केस, आई एम सीइंग दैट एनर्जी। सो लुकिंग क्वाइट गुड, आप क्लेम कर दो रीडिंग। बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत प्यार करते हैं, इनका प्यार बढ़ते हुए दिख रहा है। दे विल एब्सोल्युटली लव यू अ लॉट। ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी, तो ये पर्सन हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे एंड ब्यूटिफुल एनर्जी। योर एनर्जी लाइक आई सेड कि आप इन्हें अभी सिर्फ पसंद करते हो, यू लाइक देम। द सेल्स अ पैनी, द वाइस सॉल्ट की एनर्जी है। एंड आई एम सीइंग दैट पास्ट आपका बड़ा खराब रहा है, तो आपको ना शायद ट्रस्ट इश्यूज बहुत हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन इतना इतना ज़्यादा अच्छा कैसे हो रहा है, टू गुड टू बी ट्रू काइंड ऑफ अ सिचुएशन आपके उसमें लव लाइफ में मुझे आते हुए दिख रही है। बट कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है धीरे धीरे। आई एम सीइंग दैट यू आर गोइंग विद द फ्लो स्कॉर्पियो, एंड धीरे धीरे आपका प्यार भी बढ़ते हुए दिख रहा है। आप भी काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी में हो, यू आर ऑन अ परफेक्ट पाथ स्कॉर्पियो। जो आपका दिल करे धीरे धीरे ही इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइए, बट आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन विल विल गेन योर ट्रस्ट। डेफिनेटली येस। एंड फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप विद रजीना, रजीना कार्ड, लाइक आई सेड आप लोग का प्यार बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है फ्यूचर में। फ्यूचर में कनेक्शन स्ट्रांग होगा मेरे हिसाब से ना, इमोशनल से ज़्यादा आप लोग का मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत होगी। एक टाइम पे एक चीज़ सोचोगे, एक टाइम पे अगर आप बोलोगे कि चलो पिज़्ज़ा खाते हैं, सामने वाला पर्सन भी अग्री होगा कि हाँ मुझे पिज़्ज़ा खाना है। तो मेंटल कंपैटिबिलिटी मुझे तो बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रही है आप दोनों की। एंड दिस इज़ एक्चुअली अ कनेक्शन दैट यू ऑलवेज वॉन्टेड। मतलब इतना इतना ऑनेस्ट, इतना स्ट्रेट, दिस इज़ लाइक अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कनेक्शन। दोनों ही बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हो, आप भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ये पर्सन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एंड दिस इज़ लुकिंग लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल कनेक्शन आउट देयर। फ्यूचर में मुझे कमिटमेंट दिख रहा है, मुझे दिख रहा है बाय 15th या बाय 26th ऑफ फेब आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ रहे हो। शादी का आई एम स्टिल नॉट श्योर, बट डेफिनेटली अ कमिटमेंट आई एम सीइंग इन दिस एनर्जी। ये पर्सन बहुत ही सॉर्टेड एनर्जी में, बहुत ही लॉजिकल है, बट प्यार बहुत करते हैं आपसे। रोमांस बहुत होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। क्लेम कर दो रीडिंग स्कॉर्पियो। बहुत ही छोटी रीडिंग हुई है आई नो, बट जब एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल होती है ना, मेरी रीडिंग छोटी होती है। बट नाइस एनर्जी, एंड आई थिंक यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर, और होप मेरी ये रीडिंग आपकी लाइफ में रेजोनेट हो। लेट्स चेक सम चैनल्ड मैसेजेस, देखते हैं आपका पार्टनर आपको क्या बोलना चाहता है। लेट्स चेक स्कॉर्पियो का पार्टनर स्कॉर्पियो को क्या बोलना चाहता है। एंजल्स प्लीज गाइड मी, लेट्स सी। पेनफुल मेमोरीज, ये आपकी एनर्जी है। माई फ्रेंड्स एंड फैमिली लाइक यू, दैट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड। अगर आप इनकी फैमिली से मिले हो, इनकी फैमिली आपको पसंद करती है। आई कांट प्रोमिस यू एनी थिंग, ओके, एंड दिस लव इज क्रेजी, यू हू। दीज वर सम चैनल मैसेजेस स्कॉर्पियो। अगर कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई रीडिंग, सो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।